वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मैं कोपार्ट ऑक्शन आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने फरारी की वीडियो बनाई थी, लैम्बोर्गिनी की बनाई थी और भी काफ़ी सुपर कार्स थी क्रैश, लेकिन इस बार जो है मैकलेरन यहाँ पे खड़ी हुई है भाई। दिल कलर बहुत प्यारा है इसका और ये क्रैश्ड है और बहुत बड़ी लाइनअप है यहाँ पे, जिसके अंदर बेंटली खड़ी हुई है, फरारी खड़ी हुई है, टेस्ला खड़ी हुई है और वो सारी ब्लैक कार्स हैं यार, वो आपको नज़र आ रही होंगी पीछे। खैर मैं सारी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ और ये गाड़ी आप लोग भी परचेज कर सकते हो चीप प्राइस पे, रिबिल्ड करके भी सेल कर सकते हो, अपने ड्राइव में भी रख सकते हो, इवन के स्पेयर पार्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा डैमेज गाड़ी हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कंप्लीट, इसमें मैं आपको डिटेल दूंगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का, मज़ा आने वाला है यार। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, लाइक करोगे तो ज़रा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोज़ बनाने की, तो लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर कर देना नीचे। तो आज सबसे पहले अपने पास यहाँ पे मैकलेरन खड़ी हुई है। मैकलेरन आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि ये स्पेशल ज़रा मुझे लग रही है गाड़ी, पीछे से काफ़ी ज़रा डैमेज है। खैर ये बाद में दिखाऊंगा कितने की मिल सकती है वो भी बताऊंगा आपको। खैर सबसे पहले यहाँ पे ये बेंटली देख लेते हैं। बेंटली ब्लैक कलर की काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मंसूरी की उसके ऊपर किट लगी हुई है और ये देखो इसके पास एग्जॉस्ट वगैरह इसके टूटे हुए हैं, बैक बम्पर इसका टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ सारी बेंटली, पहले इंटीरियर भी इसका चेक कराता हूँ। इंटीरियर बड़ा मज़े का रेड कलर का, मुझे बेंटली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, लग्जरी के साथ साथ स्पोर्टी लुक भी इसकी होती है। मंसूरी के व्हील्स हैं इसमें, मंसूरी की जो है किट लगी हुई है, कार्बन फाइबर के इसके जो है ना मिरर हैं। और इंटीरियर की तरफ जब हम चलते हैं ना भाई लोग, चेक करो, ओए होए होए, दिस इज कॉल्ड रियल लग्जरी ब्रो, क्या लग्जरी है गाड़ी की भाई। रेड कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा इंटीरियर इसका लग रहा है। एयरबैग वगैरह कोई पॉप वगैरह नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो है ना इसका जो डैमेज है वो बैक साइड से है। इसका जो बम्पर है वो टूटा हुआ, मैंने आपको दिखा दिया साइड पे पड़ा हुआ, इस साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जितनी भी कार्स हैं इसके ऊपर एक लॉट नंबर इनका होता है, वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा, तो आप लोग उसका ये कर सकते हो जिस तरह ये वेबसाइट पर डाल के चेक कर सकते हो। स्पेसिफिकली इस गाड़ी की एक एक चीज़ की डिटेल होती है, नट बोल्ट वगैरह क्या इसमें है क्या नहीं है, इंस्पेक्शन होती है वहाँ पे, इनका एक इंस्पेक्शन का है यूनिट, तो उसके बाद वो पूरी गाड़ी दिखाते हैं। खैर नेक्स्ट यहाँ पे है ये रेंज रोवर, ठीक है। रेंज रोवर इसका भी लॉट नंबर पहले आप लोग देख लो, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर डालकर आप लोग चेक कर सकते हो, और वेबसाइट जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से चेक कर सकते हो वेबसाइट को। और बिल्ली साहिबा मेरे साथ साथ चल रही है, पता नहीं आपको इसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं, अभी बेंटली के नीचे चली गई है वो। खैर ये जो है ये साइड इसकी डैमेज है, ना फ्रंट से है ना बैक से है, मेरे ख्याल से बैक से भी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, नहीं बैक से भी डैमेज नहीं है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको दिखा दिया, दो कार्स होगी। थर्ड नंबर पे फरारी खड़ी हुई है, ठीक है। ये गाड़ी ब्लैक कलर में मैंने मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद देखी, क्योंकि फरारी मोस्टली रेड कलर में होती है और मुझे पसंद भी रेड कलर में ही है। लेकिन इसका जो डैमेज है ना भाई साहब, इसके ना ये शीशे टूटे हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर ये इन्होंने डाला हुआ है कपड़ा। और इसका डैमेज मैंने अभी देखा नहीं है वॉक अराउंड करके कि किस साइड से डैमेज है इसका। यहाँ पे दो एग्जॉस्ट, उस साइड पे दो एग्जॉस्ट, और इसकी लाइट बहुत ज़्यादा प्यारी है, राउंड सी, जैसे फरारी की सिग्नेचर लाइट्स होती हैं। कोई डैमेज इसका यार, इस गाड़ी का इतना डैमेज है नहीं, मज़े हैं इसके। सिर्फ मेरे ख्याल से शीशे टूटे हुए हैं या क्या, ये इसका लॉट नंबर है, ये लोग आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सीडेंट हुई है यहाँ पर, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसका ये इंटीरियर है, इंटीरियर इसका खोल के हम लोग गाड़ी चेक कर लेते हैं। इंटीरियर में गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी, कहीं से एयरबैग नहीं खुला हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त कार है यार, लग्जरी फील, स्पोर्टी फील। ये देखो इसका ये पेंट यहाँ से ख़राब हुआ लग रहा है मुझे, देख रहे हो, ये कोई चीज़ इसके ऊपर गिरी है, पता नहीं ये क्या सीन है। खैर बाकी ये गाड़ी आप लोगों ने देख ली है, इंटीरियर वाइज बिल्कुल सही है। एसी के वेंट्स कितने प्यारे हैं इसके, ये देखो जिस तरह ये गाड़ी है ना, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डील है। इसका डैमेज मुझे कहीं से नज़र तो नहीं आ रहा, मे बी कहीं से हो जो कि मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा। सामने बॉडी वाइज तो बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है, विंडोज़ इसकी शायद अपनी हुई हुई है, कुछ सीन है इसका। खैर ये आप लोगों ने देख ली, इसका मैंने नंबर भी आपको दिखा दिया, आप लोग वेबसाइट पे चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये इस गाड़ी में क्या मसला है क्या नहीं, अगर तब तक ऑक्शन ना हुई हुई, अगर ऑक्शन हो गई तो फिर शायद ये ना मिले आपको। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये टेस्ला है, ये ब्लैक कलर की है। लास्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पे वाइट कलर की टेस्ला खड़ी हुई थी, इसके पीछे एक और टेस्ला खड़ी हुई है, वो मॉडल एस है, ये मॉडल 3 है, टेस्ला मॉडल 3 ब्लैक कलर। अभी देख लेते हैं इसको, डैमेज इसका है बैक साइड से। अच्छा इसका ये है कि इंजन वगैरह नहीं होता टेस्ला में, तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है इसके, स्पेयर पार्ट काफ़ी, लेकिन इसकी बैटरी है जो कि एक्सपेंसिव होती है इसके नीचे। मेरे ख्याल से वारंटी भी अब पता नहीं टेस्ला कवर करती है या नहीं इस डैमेज पर, लेकिन स्टिल माइनर डैमेज है। डोर चेंज होगा, ये साइड वाला फेंडर चेंज होगा और गाड़ी मेरे ख्याल से रेडी टू गो हो जाएगी। और ये इसका इंटीरियर ओपन नहीं होगा, टेस्ला जो है ना एक्सीडेंट के बाद ओपन नहीं होती है जब तक कीज़ ना हो इनकी मेरे ख्याल से। लेट मी ट्राई, नहीं हो रही, देखा। तो इसका आपको मैं लॉट नंबर दिखाता हूँ, ये इसका नंबर है, ठीक है। और ये है इसकी फ्रंट लुक, ब्लैक कलर,
काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है टेस्ला मॉडल 3, मतलब माइनस है डैमेज है कंपैरेटिवली इस गाड़ी के, क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से डैमेज है भाई, ये पूरा ही गायब है इसको। टायर की कंडीशन देख रहे हो भाई, टायर की कंडीशन, टायर कैसे बुरे तरीके से फटा हुआ है। तो इसका जो है यार कूलिंग सिस्टम इसमें भी होता है, बेशक इसमें इंजन नहीं होता, ये चेक कर रहे हो। और इसकी हेडलाइट यहाँ से मिसिंग है, ये गाड़ी जो है ना टोटल लॉस है, काफ़ी बैडली डैमेज हुई हुई है, ठीक है। और ये क्या है, RTA का इस पर लगा हुआ है। ये गाड़ियाँ यहाँ पे टैक्सी में भी चलते हैं, हो सकता है ये उनमें से एक गाड़ी हो जो कि टैक्सी में, हाँ ये DTC दुबई टैक्सी जो है, ये देख रहे हो टैक्सी में यहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती हैं दुबई में। तो ये सीन है इसका, 100D मॉडल S, काफ़ी कमाल है। इंटीरियर चेक करता हूँ मगर इसका खुलता है तो, कंडीशन इसकी यार ये बहुत गंदे तरीके से डैमेज है गाड़ी भाई। नहीं ये इसका डोर जो हैंडल जो है ना वो बाहर को आता है ऐसे, लेकिन अभी नहीं आ रहा। और ये वो रोल्स रॉयस है जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाई हुई है, काफ़ी सारी वीडियोस में ये रोल्स रॉयस साहिबा इधर ही पड़ी होती हैं। ज़िंदगी का मज़े ले रही है भाई ये। खैर उसके बाद जो है अगर हम यहाँ तक आ ही गए तो आपको मैं बाइक्स भी दिखा दूँ। ये बाइक देख रहे हो, ये स्पोर्ट्स बाइक, नॉर्मल बाइक भी यहाँ पे होती हैं यूजुअली, बहुत सारी पड़ी होती हैं। वो हायाबुसा खड़ी हुई है यार, ये तो मैंने हायाबुसा इसमें कार शोज़ में बड़ा ही बार देखा है मेरे ख्याल से, ये लॉन्ग व्हील वाला जो हायाबुसा है, ये चेक कर रहे हो। ओए होए होए होए, खैर ये हायाबुसा है। और ये होंडा की बाइक हैं दूसरी जो डैमेज हुई हैं यहाँ पर आ गई हैं, तो ये बाइक्स भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं मैकलैरन की तरफ, मैकलैरन दिखाता हूँ, और बल्कि पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ उसके बाद मैकलैरन दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। मैकलैरन से पहले ये हार्ली डेविडसन देख लो, ये भी मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे, ठीक है यार ये कहीं से डैमेज तो नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल इधर आ गया है तो डैमेज तो कहीं से नहीं है। इसका भी मैं लॉट नंबर आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका लॉट नंबर। और अगर मैंने इनकेस इसका नहीं दिखाया हायाबुसा का, तो ये है हायाबुसा का लॉट नंबर, ठीक है ये आप लोग डाल के चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से यार फिट है बाइक, तो मुझे कहीं से डैमेज नहीं लग रहा, वैसे माइनर सा डैमेज। अगर आप लोग मेरे लाइफस्टाइल वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया मोसिन लाइफस्टाइल के नाम से, उसमें मेरी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह डेली बेसिकली लाइफ में मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग हो रही है उस पर, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। वैसे भी मोसिन लाइफस्टाइल सर्च करोगे तो उसमें आ जाएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ना आए तो वापस आ जाना भाई इस चैनल पे, ठीक है। लेकिन जाके एक बार चेक लाजमी करना। और ये तो मैं आपको इस ऑक्शन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद हम मैकलैरन देखेंगे। तो इस ऑक्शन का सबसे पहले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ऑनलाइन एक ऑक्शन, आप लोग वहाँ पर जाकर रजिस्टर करोगे अपने आप को, अगर आप लोगों ने बिड करनी है कुछ गाड़ी के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल रहा हूँ और इनका कॉन्टैक्ट ईमेल भी डाल रहा हूँ, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है क्या करना है। मेरे ख्याल से 2000 dirham उसकी फ़ीस है, और उसके बाद आप लोग इन पर बिड कर सकते हो कार्स के ऊपर, किसी भी गाड़ी के ऊपर, ठीक है। अब इसका सीन ये है कि बहरीन और ओमान में भी इनकी ऑक्शन होती है, और उनकी ऑक्शन वो संडे को होती है, और दुबई में जो ऑक्शन होती है वो मंडे को होती है, और मंडे का जो है ऑक्शन क्रैश गाड़ियों की होती है, सेल्विज कार, जिस तरह ये क्रैश मैकलैरन है या जितनी भी लाइनअप खड़ी हुई है, और भी बहुत सारी कार्स हैं, तो ये कार होती है संडे को ऑक्शन इनकी, और इनकी फिर नहीं सॉरी मंडे को होती है इधर दुबई में, और उसके बाद जो है ट्यूसडे को यहाँ पे होती है नॉर्मल कार्स की, जो नॉन डैमेज गाड़ी होती हैं जिस तरह ये खड़ी हुई हैं यहाँ पे पीछे, ये लाइनअप नॉन डैमेज गाड़ी हैं, तो इनकी ऑक्शन होती है मंडे को। और अगर आप लोग किसी GCC वगैरह कंट्री में रहते हो फिर तो आप लोग इन कार्स को इम्पोर्ट वगैरह ईजिली बहुत कर सकते हो, पोर्ट तक ये डिलीवरी देते हैं। इवन कि आप पाकिस्तान या इंडिया में लेफ्ट एंड ड्राइव कार्स हैं, रजिस्टर नहीं होती हैं ये गाड़ियाँ, सिर्फ इम्पोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट के लिए जो कार्स होती हैं ना वो आप लोग मंगवा सकते हो। ऐसे इन कार्स के ऊपर टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लो, अगर हो सकता है कुछ इनका सीन तब आप लोग मंगवा सकते हो, पोर्ट तक ये डिलीवरी दे देंगे, पोर्ट तक डिलीवरी का कोई मसला नहीं, आगे क्लियर कराना आप लोगों का मसला होता है, लेकिन मोस्टली लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स जो हैं वो इशू क्रिएट करेंगी। तो पाकिस्तान इंडिया के लिए थोड़ा सा सोच समझ के, स्पेयर पार्ट के लिए कोई गाड़ी उठानी है तो स्टिल वो उठा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सीन है, और अभी मैकलैरन देखते हैं, और उसके बाद जो है लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो प्लीज़। और तो फाइनली मैकलैरन इज़ हेयर यार। एक तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स कार सुपर कार पर हमेशा इस टाइप के कलर, ग्रीन येलो ऑरेंज, इस टाइप के कलर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो फ्रंट से कोई इसका डैमेज है नहीं, इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से भी कोई इसका डैमेज है नहीं फ्रंट से, लेकिन यहाँ से इसका डोर लगा हुआ है नीचे से, लेकिन वो माइनर है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर हिट नहीं है इसका, माइनर डैमेज है। और इसका अभी डोर ओपन होगा कि नहीं, नहीं ये अभी शायद बंद किया हुआ, मैं आपको दिखा दूँगा फिर भी दूसरी साइड से ओपन करके। तो ये है बैक साइड से इसका डैमेज, जो कि इंजन वगैरह इसका बैक साइड से ही होता है, और लाइट्स इसकी दोनों मिसिंग है, बल्कि वो लाइट टूटी हुई है, अंदर को गई हुई है। बम्पर इसका चेंज होगा, इसका काफ़ी मतलब एक है खर्चा, लेकिन हमें मिलेगी फिर थोड़ी सी चीप। इसके थोड़े नट बोल्ट होंगे मेरे ख्याल से, वो ओपन करके दिखाने होंगे।
यहाँ से देखो अगर आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर, बैक साइड पे इंजन होता है, बैक साइड से ही डैमेज है इसका। इंजन आगे होता ना फिर इतना ज़्यादा वो नहीं होना था सीन इसका बैड। तो खैर इसका ये बैड सीन चल रहा है क्योंकि डैमेज है पीछे से काफ़ी गंदे तरीके से। और फ्रंट से जो है देख लिया आपने, इस साइड से कोई डैमेज नहीं है इसका, कहीं से पॉप नहीं है। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो कुछ अंदर पड़े हुए हैं। तो ये है इसके कुछ इंटीरियर का सिचुएशन और मैक्लारेन इज हेयर ब्रो। और उसके बाद जो है बाकी आप लोगों ने कार्स यहाँ पे देख ली सारी सुपर कार्स वगैरह। और एवरीवन आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे ये भी पता कि आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आता होगा। तो सजेशन दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती है, क्या नॉलेज आप लोगों को और चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।